हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिपुस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो दिन है बहुत ही खास है, बिकॉज टुमारो है गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी कैसे बैंगलोर में होता है ये पूरा मैं आप लोग के सामने वीडियो करके आप लोग को दिखाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिएगा। वैसे दोस्तों, सुना हूँ बैंगलोर ग्रीन सिटी कहा जाता है बैंगलोर को, तो क्यों ना सुबह का स्टार्ट एक ग्रीन से ही हो जाए। तो चलिए वीडियो के एंड तक देखिए। इस साल का सबसे फर्स्ट फेस्टिवल है गणेश पूजा, तो गणेश पूजा हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया ऑफिस में। आशा रखता हूँ जिसका भी जो भी प्रॉब्लम है इस आने वाला साल में गणपति बाबा वो सब कुछ दे जो 2 साल से नहीं मिला था हम लोग। तो दोस्तों, जश्न हो, हमारा पूजा ख़त्म हुआ है। अभी आरती की थाली लेके ये अंकल को देखो, सबके पास पास जा रहा है ब्लेसिंग के लिए, ताकि सब गणपति पापा इस साल जो है सबका लाइफ सेटल कर दे, अच्छे से कर दे। और उसके बाद ये देखो, ये रंगोली किसने जो जिसने भी बनाया है बहुत ही मस्त और बहुत ही सुंदर बनाया है, इतना सारा कलर डाल के। और देखो कितना सुंदर मैंने इसको कितने अच्छे से कैप्चर किया। और अभी सब फोटो सेशन लगा हुआ है, फ़ोटो भी खींचेगा सब एक दो, क्योंकि अभी वो ट्रेंड आ चुका है। देखो सब कितना सुंदर से, कितना मतलब बहुत फ्री हो गए, इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा है। बिकॉज टुमारो जो है हॉलीडे है, पूरा ऑफिस बंद रहेगा। सो एंजॉय करो, और आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखो, एंड तक देखो, और मजे लो गणेश चतुर्थी का, क्योंकि बंगाल में तो मेरा उतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होता है, तो साउथ में थोड़ा बहुत होता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं मुंबई में बहुत अच्छे से मनाया जाता है गणेश पूजा, तो बेंगलोर भी कुछ कम नहीं है, थोड़ा बहुत भी सेलिब्रेट होता है बेंगलोर में भी। बंगाल में उतना नहीं होता है, बट होता है। तो वीडियो को एंड तक देखो, और रंगोली भी कितना मस्त बनाया है इसने बनाया है, कलर भी बहुत अच्छा अच्छा डाला है, पिंक है, रेड है, ग्रीन है, और उसके साथ फ्लावर्स भी डाला है। और ये पंडित जी के साथ मेरा इलेक्ट्रिशियन भी मस्त से फ़ोटो खींच लिया, मैंने उसका फ़ोटो सेशन भी कर लिया। अभी ये देखो, ये बंदा भी आ गया फ़ोटो के लिए, कुछ भी हो इसको सिर्फ स्टेटस में फ़ोटो डालना है। चलते हैं, और लोकल मार्केट का भी मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह लिया हूँ, और आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अभी देखो पूरा टिकपा का सब एक एक करके आ रहा है इस फ़ोटो सेशन के लिए, और लड़के लोग पूरा स्टैंड बाय साइड में खड़ा हुआ है। तो गणपति पप्पा आपसे विश है, इस साल का जो भी प्रॉब्लम है मेरा, दर्शकों का, सबको आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, और खुशियाँ से खुशियाँ भर दो सबके जीवन में, हरा भरा कर दो बैंगलोर जैसा ग्रीन सिटी। और मेरा मोहल्ला में भी कुछ कम नहीं है, मेरा जो मोहल्ला है उसमें भी गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। यहाँ पे 2 साल के बाद आज मनाया जा रहा है। लाइटिंग से तो देखा अच्छे से सजावट हुआ है, लेकिन पंडाल में अभी तक गणपति बाप्पा नहीं आया है, तो गणपति बाप्पा के लिए वेट करना है। और टुमारो मॉर्निंग बाप्पा तो मंडप पर आ जाएगा, और उसके बाद उसका भी आप लोग के वीडियो शेयर करूँगा। और रास्ते में आज बहुत ट्रैफिक था, बिकॉज रात और कुछ घंटे के बाद ही शुरू हो जाएगा गणेश चतुर्थी, इस साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल। तो चलते हैं, थोड़े आप लोग के साथ ये सब कुछ शेयर किया, कैसे लग रहा है
प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएंगे कमेंट करके कैसा लगा, क्योंकि अगर कुछ गलती होगा तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं डालूँगा और इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आप देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए मेरा ब्लॉग में। उसके बाद जो है मैंने फ्रूट के शॉप में गया, फ्रूट भी देखो कितना अच्छा अच्छा पूरा खाली हो गया सुबह से सेल करते करते, तो फ्रूट भी बहुत फ्रेश है, फ्रेश मिल रहा है, उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते हो इस फेस्टिवल को इन्जॉय करने के लिए तो टुमारो मॉर्निंग आ जाइए प्रशांत लेआउट में, दिल खोल के इन्जॉय कीजिए और पूजा को सेलिब्रेट कीजिए। लोकल मार्केट में जब तक मैं ऑफिस से घर आया लोकल मार्केट भी बहुत खाली खाली हो चुका था, क्योंकि रात का 10 बज चुका था, फिर भी आज ये आंटी लोग अभी बिफोर जिस मंथ में इतना सेल नहीं हुआ आज वो सब कुछ सेल कर दिया, फ्लावर से लेके गणपति बप्पा बनाना लीफ सब कुछ। देखो मार्केट भी पूरा खाली खाली हो गया, सुबह से चल रहा था भाग दौड़ की जिंदगी। उसके बाद जो है मैंने मार्केट का तरफ देखा थोड़ा बहुत, पूरा खाली खाली था क्योंकि सुबह से चल रहा था भाग दौड़ की जिंदगी, कैसे गणपति को सजाया जाए फूलों से बहुत कुछ चीज़ों से। फिर उसके बाद जो है थोड़ा लाइटिंग वगैरह जल रहा था तो उसको मैंने कैमरा में कैप्चर कर लिया। दोस्तों अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा एंड प्रेस कीजिएगा बेल आइकन बटन, अगर नेक्स्ट मैं कुछ ब्लॉग डालता हूँ तो फर्स्ट पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। आज के लिए इतना ही, तक वेट करते हैं कल के।